सुकन्या केयर के सभी गुरुओं को मेरा कोट कोट प्रणाम। आदरणीय श्वेता मैम को मेरा कोट कोट प्रणाम। आदरणीय अर्चना मैम को मेरा कोट कोट प्रणाम। आदरणीय गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय नारायण सर को मेरा कोट कोट प्रणाम। आज मैं बताऊंगी कि मेरा नाम रंजना है और मैं मथुरा से हूँ। मैंने ज़िंदगी में एक सपना देखा था कि मैं समाज सेवा करूँ। मुझे समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, तो पर मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। पर पहली बार मुझे जब सुनीता मैम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आई, उन्होंने मुझे बताया कि सुकन्या केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आप पता करो, तो मैंने मैम से पता किया। फिर मैंने ट्रेनिंग ली और मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, किसी का फ्यूचर भी इसमें इतना ब्राइट हो जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है। इसके लिए सारा श्रेय जाता है आदरणीय सुनीता संध्या ममती मैम को, गुरु माँ को, नारायण सर जी को और राकेश कुमार सर जी को, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो लेडीज अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करती है, पर यहाँ रह के इसमें काम करके अपनी प्रॉब्लम भी शेयर, अपनी प्रॉब्लम भी ख़त्म कर सकती है। उसकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी और अपनी एक सेल्फ डिफेंड होके अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच सकती है। वो आत्मनिर्भर भी बन सकती है और दूसरों को भी बना सकती है। इसमें जुड़ के एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है, और ये सिर्फ लेडीजों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के लेडीज आत्मनिर्भर बनती है और अपनी सारी समस्याओं को खुद सॉल्व करती है। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आदरणीय नारायण सर को कोट कोट प्रणाम, आदरणीय राकेश कुमार सर जी को कोट कोट प्रणाम, आदरणीय गुरु माँ को मेरा कोट कोट प्रणाम। सारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके जूझ रहे इतनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम।